धनुष मक्षाला में जब राघव जी पहुंचे, श्री जनक जी महाराज ने सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, एक भव्य दिव्य मंच पर तीनों को आसीन कराया। बंदी जन आए, जनक जी महाराज की वृदावली का गान किया, तदोपरांत प्रण की घोषणा करने शुरू की। बोले बंदी वचन वर सुनहु सकल मही पाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। हे यहां समक्ष उपस्थित समस्त देश देशांतर के राजाओं महाराजाओं, आप सभी लोग आज हमारी वैदेही जू को प्राप्त करने की इच्छा लेकर आए हो, पर उनको प्राप्त करने के लिए हमारे श्री जनक जी महाराज ने बीच में एक प्रतिज्ञा रखी है, एक निमित्त बनाया है। किसको? इस विशाल शिव धनुष को। आज आप सभी राजाओं में से जो भी राजा इस विशाल शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ेगा, हमारी वैदेही जी के साथ उसका विवाह संपन्न होगा, वो हमारी सियाजू का वर बनने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। अभिमानी राजा अब लगे एक एक करके तुरंत के तुरंत खड़े होने। दूतों ने कहा अभी थोड़ा रुकिए, आगे की बात तो सुन लीजिए। नृप भुजबल विदु शिव धनुराहु, गरुव कठोर विदित सब का। भगवान शंकर का यह शिव धनुष राहु के समान है, आपके हाथों की शक्ति चंद्रमा के समान है, सोच विचार करके तब धनुष के पास जाइएगा। अब अभिमानी राजा खड़े होना शुरू करते हैं एक एक करके। कैसे खड़े हो रहे हैं? परिकर बांधी उठे अकुलाई, व्याकुलता से। क्यों व्याकुलता? कहीं हमसे पहले कोई और ना तोड़ दे, उनको लगता है बाएं हाथ का खेल है, तोड़ के चले आएंगे। अब राजा उठे जाने लगे, चले इष्ट देवन सिरु नाई, अपने अपने इष्ट देवता से कहते हैं, हे भगवान कृपा कर देना, ये धनुष वहां हमसे तुड़वा देना। अब ये प्रार्थना करते चले हैं, लेकिन वहां तक जाने के बाद भी इनसे धनुष नहीं टूटा। अब कारण समझिए क्यों नहीं टूटा, ये तो भगवान को मना के निकले थे। हमारे संत जन कहते हैं उस सभा में 10,000 राजा समुपस्थित हैं। अब एक राजा जाता है भगवान से, कहता है भगवान हमसे धनुष उठवा देना, और पीछे से 9,999 कहते हैं भगवान लाज बचाना, इससे हिलना नहीं चाहिए। अब 9,999 पलड़ा भारी है कि नहीं भारी? अच्छा ये जावे खड़े होके बैठ के लेट के उठ के बैठ के बायां दायां सारी ताकत लगा ली, धनुष हिला तक नहीं। अब सर झुका करके आने लगा। दूसरे राजा ने कहा ये गए थे धनुष तोड़ने तोड़ाए। पहले वाले ने कहा तुमऊ जाओ तब पता लगेगा, जाओ तो। अच्छा ये जो अभी अभी आया है और जो दूसरा अभी अभी गया है, अब जैसे ही दूसरा राजा तोड़ने जाता, ये पहले वाला भी 9,999 में शामिल हो जाए और कहे विधाता हमसे नहीं तुड़वाया तो इससे भी टूटना, अगर हमसे नहीं भया तो इससे भी ये काम होना नहीं चाहिए, यही गति हम सब की है। अगर कोई अच्छा काम भी हो हमसे ना हो पा रहा हो तो हम पूरा भरसक प्रयास यही करते हैं, अगर बिल्ला मिले तो हमको मिले, नहीं तो समाज तबाह हो जाए, पर किसी और को बिल्ला मिलना हो तो हमसे हो, नहीं तो किसी से ना हो वो मंजूर है। अभी दूसरे राजा तीसरे चौथे करके 10,000 राजाओं ने अपनी शक्ति आजमाई और गोस्वामी जी ने लिखा भूप सह से 10, 1, 12 लगे उठावन टरई नटारा। भूप सह से 10, 1, 12 लगे उठावन टरई नटारा। जी गई न शंभु सरासन कैसे कामी वचन सती मन जैसे। जी गई न शंभु सरासन कैसे वचन सती मन जैसे। सबन पभये जोग उपहासी जैसे बिन विराग सन्यासी। सबन पभये जोग उपहासी जैसे बिन विराग सन्यासी। 10,000 राजा खड़े भए एक साथ, सुनो ना हमने अपने दादा परदादा से सुना है
एकता में बहुत भारी शक्ति होती है। मेरा विश्वास कहता है हम 10,000 एक साथ जाएंगे तो ये धनुष टिक नहीं पाएगा, चलो सब मिल के धनुष तोड़ते हैं। राजाओं ने कहा बहुत सुंदर बात कही। तब तक एक राजा ने कहा एक बात बताओ, हम हैं 10,000, कन्या है एक, अगर धनुष टूट गया तो फिर विवाह किसका होगा, कौन विवाह करेगा। तब तक एक समझदार राजा ने कहा सब अपनी अपनी तलवारें लाए हो, बोला एकदम लाए हैं, बोला जैसे ही धनुष टूटेगा फिर तलवारें निकलेंगी, युद्ध होगा और जिसकी खोपड़ी बच जाएगी युद्ध में उसी की खोपड़ी में जयमाला डलेगी। अब सोचिए, अच्छा एक बात बताइए, ये इकट्ठा हुए हैं कि एक हुए हैं, जोर से बोलिए, इकट्ठा हुए हैं कि एक हुए हैं, एक नहीं भए हैं, ये खाली भीड़ है, भीड़ इकट्ठा होती है, एक नहीं है। जहां पर अपने निज स्वार्थ की भावना निहित हो वहां पर मनुष्य कभी एक नहीं हो सकता है। ये सब ने एक दूसरे का साथ तो दे दिया, क्यों दिया, सब मिलके धनुष तोड़ेंगे और मन में क्या कह रहे हैं, भले तुम 9,999 मेरी मदद करो पर भी हवा तो हम ही करेंगे। और हर एक राजा यही कह रहा है, तो ये इकट्ठा तो हुए हैं पर एक नहीं है। 10,000 राजाओं ने आजमाना शुरू किया, धनुष नहीं हिला, बाबा जनक जी को रोष आया और जनक जी अपने सिंहासन से खड़े होके कहने लगे, हे आए हुए समस्त राजाओं महाराजाओं, अरे दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पनठाना, आए सुनी हम जो पनठाना, तजहुआस निज निज गृह जाऊं, तजहुआस निज राजाओं, आप सभी लोग मेरी प्रतिज्ञा को सुन सुन कर आए हो। कई लोग पूछते हैं इसका न्योता कहां कहां गया था, तो जनक जी तो खुद ही कह रहे हैं सुन सुन के आए हो, पर अत्यंत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है आप इतने सारे राजाओं महाराजाओं में से कोई भी राजा इस धनुष को उठाना तो दूर, चाप चढ़ाना तो दूर, इस धनुष को तिल के दाने के इतना कोई खिसका तक ना सका। आज आप सभी ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है, मुझे लगता है विधाता ने मेरी बिटिया के हाथ में विवाह की रेखा बनाई ही नहीं है। आज अगर अपने प्रण को छोड़ता हूँ तो मेरी बेटी, मेरे कमाए हुए यश का नाश होगा, पूर्वजों की कीर्ति का नाश होगा। अगर प्रण पर अडिग रहता हूँ तो ये सभा मुझे चीख चीख कर कह रही है कि जनक जी आपकी बिटिया आजीवन कुमारी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि इस धरती पर कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस धनुष को उठा सके। जनक जी ने एक बार कह दिया था कि वीर विहीन मही मैं जानी, मैं जान गया यह धरती वीरों से विहीन हो चुकी है। एक बार जब बोल चुके थे तो दोबारा यही बतिया बोलने की क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी। जनक जी ज्ञानी हैं, बिना सोचे विचारे वो एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, पर एक बात को दो बार कहा। क्यों कहा? क्योंकि जनक जी का उद्देश्य कुछ अलग है। जनक जी परम ज्ञानी हैं, वो भी समझते हैं कि भीड़ चाहे जितनी आ जाए पर काम कौन करेगा ये वो जान चुके हैं। जनक जी ने सोचा राम जी ऐसे तो अपने मन से खड़े होने वाले हैं नहीं, अगर राम जी को खड़ा करना है तो पहले किसी और को खड़ा करना पड़ेगा। अगर आपको झंडा लहराना है तो पहले झंडा खड़ा करोगे कि डंडा, बोलिए। खाली ऐसे हंस देते हो, हंसने से हमें का समझ आएगा कि आप का बोल रहे हो, क्या खड़ा करना होगा, डंडा। जनक जी भी यही समझ रहे हैं, लक्ष्मण भैया डंडे के समान है, किस चीज के लिए, रघुपति कीरति विमल पताका,
दंड समान भयो जस जाका। राघव जी की यश रूपी ध्वजा को फहराने के लिए लक्ष्मण भैया डंडे का काम करते हैं। जनक जी ने सोचा कुछ ऐसा बोल दो कि डंडा खड़ा हो जाए, और डंडा खड़ा हो गया तो झंडा लहराने में फिर टाइम लगने वाला, झंडा भी लहरा जाएगा, पहले इनको खड़ा करूंगा। पर कैसे खड़े हों, एक बार कहा धरती वीरों से विहीन है। लखनलाल ने सुना, सारा क्रोध पी गए। क्यों, भैया हैं, गुरु जी हैं, मुझसे बड़े हैं, जरूर कुछ जवाब देंगे। पर सब मौन रहे। अब जनक जी ने देखा काम नहीं बना, दोबारा बोला, आज के बाद कोई अपने आप को वीर कहकर संबोधित मत करना। आप सबकी वीरता के दर्शन मैंने कर लिए हैं और मैं समझ चुका हूँ कि धरती का यह गोलपिंड अब वीरों से हीन हो चुका है, कोई वीर नहीं बचा है। जब दोबारा कहा तो लक्ष्मण भैया से अब नहीं रहा गया, लक्ष्मण भैया रोष में खड़े हुए, सिंहासन से खड़े हुए, राघव जी को प्रणाम किया और सीधे शब्दों में जनक जी की ओर देखते हुए, अरे कही जनक जैसे अनुचित बानी, कही जनक जैसे अनुचित बानी, दर्शन कराता हूं। अरे जो तुम्हारे अनुशासन शब्द बोले, धरती कंपित हुई। गोस्वामी जी ने कलम उठाई और लिख दिया, लखन सकोप वचन जे बोले, लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी महिदी गज डोले,
मगान महिदी गजरो भैया ने रोष भरे शब्द बोले धरती कांप उठी। राघव जी से आज लक्ष्मण भैया कहते हैं, भैया आदेश दो तोड़ दूं, एक बार कहो तोड़ दूं। विश्वामित्र जी ने कहा राम जी रोकिए कहीं सहयोग में ना तोड़ दें, बुलाइए। अब राघव जी ने नेत्र के इशारे से लक्ष्मण भैया को निकट बुलाया, अपने बगल में बिठा कर कहते हैं लक्ष्मण शांत भैया धरती हिल रही है। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार अभी भी दो नहीं हिल रहे हैं, एक आप एक धनुष, जब तक ये दोनों नहीं हिलेंगे तब तक मेरा क्रोध शांत होने वाला नहीं है। विश्वामित्र जी महाराज ने अब उचित अवसर देखा, राघव जी के शीश पर वरद हस्त रखा और राघव जी से कहा, राघव जी रामा विश्वामित्र समय शुभ जानी, रामा सिया रामा, रामा विश्वामित्र समय शुभ जानी, रामा सिया रामा, रामा बोले अति सनी हमय वाणी, रामा सिया रामा, ओ रामा कैसे चले हर्ष विषाद न कछु उर आवा, ना कोई विशेष हर्ष है ना कोई उदासीनता है, सहज मुद्रा में मेरे राघव जी चले। गोस्वामी जी ने लिखा भी है सहज ही चले सकल जग स्वामी, ये पूरे संसार के स्वामी हैं लेकिन प्रभु के अंदर सहजता कितनी है जरा इस बात का दर्शन करिए। हमें आपको एक गांव का भी अगर राज्य मिल जाए ना तो फिर अपने से नीचे वालों को ताकेंगे भी नहीं, बतियाना तो दूर की बात है। मेरे राघव जी पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, इसके उपरांत भी अत्यंत शालीनता और सहजता से चले। गोस्वामी जी ने यहाँ पर प्रभु की चाल को हाथी की उपमा दी है, जिस प्रकार से मतवाला मदमस्त हाथी गलियों से अपने ही मस्ती में गुजरता है अपने लक्ष्य की ओर, राघव जी उसी प्रकार चले जा रहे हैं। हाथी की उपमा क्यों दी, हाथी देखा है, हाथी देखा है, गलियां तो बाहर भी दो दो थे, अब पता नहीं आज है कि नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया। हाथी जब गांव की गलियों से गुजरने लगता है तो गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं पुराने लोग वो हाथ जोड़कर कहते हैं भगवान गणेश आए हैं, कहते हैं ना हाथी के आगे सारे लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और हाथी के पाछे
गांव भर के जितने खाली कुत्ते होते हैं वो सारे के सारे आपको हाथी के पीछे नजर आएंगे, भौंकते रहेंगे। हमें आज तक समझ नहीं आया कि कुत्तों की हाथी से दुश्मनी और बैर का है, ये नहीं पता, बस भौंकेंगे। हाथी क्या करता है, जो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं वहां पर रुकता नहीं है, जो भौंकते रहते हैं उनको देखता नहीं है। क्यों? क्योंकि गजराज जानते हैं इनको तो चिल्ला के अपने ही गौआ में रहना है, हमको तो बड़ी दूर तक जाना है। अगर हर गली के कुत्तों को मैं जवाब देने में लगा रहा तो मैं अपने लक्ष्य से चूक जाऊंगा। राघव जी जब चले तो ये अभिमानी राजा स्वान की तरह से प्रलाप करने लगे, अनेक प्रकार की बातें कहने लगे, पर मेरे राघव जी ने किसी को देखा तक नहीं। राघव जी धनुष के समक्ष जब खड़े हुए, सारे मिथिला के नर नारी अपने अपने विधि से कहते हैं, आज तक जो भी हमने पूजा की उसका कुछ फल बनता हो तो ये समर के सरकार से इस धनुष का खंडन करा दीजिए। मेरी माँ वैदेही व्याकुल हो गई। मैया वैदेही ने कहा, हे मैया गौरी, आज तक आपकी जो भी पूजा अर्चना की है उसका अगर कुछ फल बनता हो तो इनसे धनुष तोड़वा दीजिए। हे भगवान गणेश, आप कृपा करिए। अंत में मैया ने कहा, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे शिव धनुष, अब मुझे आपका सहारा है, आप हल्के हो जाइए। शिव धनुष हल्का होकर कहता है, माँ इतना ठीक है कि और हल्का? फिर हल्का हुआ, फिर हल्का हुआ। मैया से बार बार शिव धनुष ने जब पूछा, माँ कितना हल्का होना है, मैया ने कहा, बार बार मुझसे मत पूछो, बस इतना जान लो, ये तुम्हारे सामने जो राम जी खड़े हैं ना, इनको फूल तोड़ने में भी पसीना आ जाता है। अब खुद ही हिसाब किताब लगा लो कि ये कितने कोमल हैं, और उसके हिसाब से तुम हल्के हो जाओ। शिव धनुष ने कहा, मैया हम इतने हल्के हो गए, कोई एक अभिमानी राजा आया हमें तोड़ के चला गया। फिर मैया ने कहा, एक काम करो, अभी तक अभिमानी राजाओं का बल लेकर आप नहीं उठ रहे थे, अब अपना सारा का सारा भार इन मूर्खों पर डाल दो, ये अपनी कुर्सी से ना उठ पाए, चिपक जाए। निज जड़ता लोगन पर डारी, ये ना हिल पाए, और आप हल्के हो जाओ। शिव धनुष हल्के हुए। लक्ष्मण भैया, उन्होंने धरती को, कक्षक को, शेष को, वराह को सावधान किया कि सभी लोग अपनी स्थिति को मजबूत कर लें। मेरे भैया धनुष का खंडन करने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो धनुष के भयंकर टंकार को सुनकर पृथ्वी का छोर आपके मुख से छूट जाए। सभी सावधान हो जाइए। जैसे सभी सावधान सबको किया, अब राघव जी ने धनुष की ओर देखा, जिस प्रकार भगवान गरुड़ एक छोटे से सर्प की ओर दृष्टिपात करते हैं, और गोस्वामी जी ने लिखा, चाप समीप राम जब आए, चाप समीप राम जब आए, नर नारी ने सब सुकृत मनाए, नर नारी ने सब सुकृत मनाए, धनुष की ओर अब हाथ बढ़ाना शुरू किया, और वो स्वामी जी ने लिखा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की अपनी
जगन तोरा। भरी भुवन धुनि भोर कठोरा, भरी भुवन धुनि भोर कठोरा, भरी भुवन धुनि भोर कठोरा। जैसे ही धनुष का खंडन हुआ, लोगों ने देखा धनुष दो भागों में टूटा, धरती पर पड़ा हुआ है। पूरी मिथिला नगरी में आज एक ही आवाज सुनाई देने लगी, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो।